हेलो हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साल में। तो फ्रेंड्स मैं प्रसार कुमार हाजिर हूँ हिमाचल प्रदेश की जो 10 बड़ी खबरें हैं उनको लेकर। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर जो है आपके पास जो है वो पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। अगर आपको किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो फ्रेंड्स आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारे जो पहले न्यूज है हिमाचल में 7,000 आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो आशा वर्कर हैं उनके जो सैलरी में जो है वो बढ़ोतरी की गई है। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छी न्यूज़ है आशा वर्करों के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हिमाचल कैबिनेट की बैठक जो है वो आज होगी, यहाँ पे कल लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स आज होगी, ठीक है। इसमें जो है वो कई अहम फैसले लिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें जो है स्कूलों के खुलने और जो कोरोना वायरस के बढ़ते मामले हैं उनके ऊपर जो है फैसले लिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो मीटिंग होगी वो सचिवालय में होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स कांगड़ा में 7 साल के बच्चे समेत एक परिवार के 3 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ जो है वो बहुत बुरी है हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, ठीक है। जो है एक साल का 7 साल का जो बच्चा है उसके साथ जो परिवार के 3 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्मचारी चयन आयोग 1,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। तो फ्रेंड्स जो भी इसमें डिजिटल नॉन मेडिकल वगैरह मेडिकल जो कल जो न्यूज़ आई थी उन्होंने मांग की थी, तो फ्रेंड्स इसमें जो है उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कोरोना वायरस 2 विधायकों समेत परिवार के लिए सैंपल। तो फ्रेंड्स जो है दो जो है विधायकों समेत जो है वो कोरोना के जो है उनके सैंपल लिए गए हैं। फ्रेंड्स अभी जो उनका जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की सभी जो खबरें हैं उनके बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स दूसरे दिन स्पेस जेट के साथ एयर इंडिया ने भरी उड़ाने, गगल पहुँचे 100 से ज़्यादा यात्री। तो फ्रेंड्स जो हवाई यात्राएँ तो फ्रेंड्स वो शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रांसपोर्टरों का 4 महीने का टोकन टैक्स SRT ने किया माफ़, गोविंद, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अच्छी न्यूज़ है ट्रांसपोर्टरों के लिए, तो उनके 4 महीने का जो टोकन टैक्स होता है उसको जो है माफ़ कर दिया गया है। तो गोविंद जी ने इसकी जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स युवाओं के लिए रोजगार का मौका, 1817 पद भरेगी निजी कंपनी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन से इसमें पद जो भरे जाएंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सिरमौर में पहली बार गेहूँ की भारी खरीद, टूटे सारे रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स जी सिरमौर में जो है वो गेहूँ की जो है भारी खरीदारी हुई है और उसमें जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है टूटे। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स हिमाचल इंजीनियरिंग में 12वीं की मेरिट पर मिलेगा दाखिला। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो इंजीनियरिंग जो प्लस टू के बाद जो है होती है, तो फ्रेंड्स उसमें जो हिमाचल में जो इसमें जो लिया गया है फैसला कि उसमें 12वीं की मेरिट के ऊपर ही हमें जो है वो दाखिला देना है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।